पूरी तरह से बदल देने वाला एक घटनाक्रम था। अगर उस समय के माहौल और परिस्थितियों को देखें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के नफरत को के बीच को लगातार उसको बढ़ा रही थी, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमले हो रहे थे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी टकटकी लगा के देखते थे, लेकिन वहां से भी किसी को कोई न्याय और इंसाफ मिलते हुए नहीं दिख रहा था। एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी जहां पे दिखता था कि एक तरह से जजेस के भूमिका में कौन दिख रहे थे, गोरक्षक दिख रहे थे जजेस के भूमिका में। न्याय का अर्थ क्या दिख रहा था? न्याय का अर्थ बुलडोजर दिख रहा था, न्याय का अर्थ दिख रहा था फेक इनकाउंटर दिख रहा था। तो रूल ऑफ लॉ बिल्कुल हर तरफ हर क्षण ब्रेक होते हुए नजर आ रहा था। उस समय और उस परिस्थिति में राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, और मुझे याद है राजीव जी कि भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआती समय में आप कन्याकुमारी भी मौजूद थे, और जब भारत 7 सितंबर के दिन और 30 जनवरी के दिन राजीव जी आप श्रीनगर में भी मौजूद थे, यानी पहले पॉइंट के समय पर भी आपने वहां से आप बता रहे थे दर्शकों को, और आखिरी पॉइंट के समय में भी 30 जनवरी को आप और प्रशांत जी दोनों के दोनों श्रीनगर में मौजूद थे। ये जो यात्रा चली और इसने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे थे जन सरोकार के मुद्दे, लोग समझ नहीं पा रहे थे। प्रशांत जी ने बिल्कुल सही बोला कि लोगों के मूलभूत मुद्दे को, आर्थिक मामले, आर्थिक किस तरह से जो है कि हमारे हमारे संसाधनों के ऊपर, जिसके ऊपर गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों का, उनका उन संसाधनों के ऊपर हक होना चाहिए, लेकिन उन संसाधनों के ऊपर देश के दो पूंजीपतियों के हक की बात सामने में खुलकर आई, हिंदू मुस्लिम नफरत के बीच में प्रेम की बात आई। राहुल गांधी की वो हम लोग देखते थे कि प्रधानमंत्री बन की बात करते थे लगातार, लेकिन राहुल गांधी को देखा कि दिन भर वो लाखों लोगों से मिलते थे और शाम के समय में एक संक्षिप्त सा बयान जारी करते थे, मुश्किल से 10-12 मिनट का बयान होता था राजीव जी प्रत्येक दिन भारत जोड़ो यात्रा में, ये लगातार ये सिलसिला हम लोगों ने देखा। और उसी समय से जो ये चीजें अभी हम लोग, जब बीजेपी की तरफ से जो हमले हो रहे थे, झूठे हमले हो रहे थे, उसका मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा था। बीजेपी के आईटी सेल का जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर खड़े होकर बहुत मजबूती से दे रहे थे, और उसने कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस को केवल मजबूत नहीं किया जो आपका सवाल था, यहाँ के भारत के एक एक जनता को मजबूत किया। और यही कारण है कि राम मंदिर के नाम पे 2024 का लोकसभा चुनाव में 400 सीटों को पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक गई। अभी हम लोग दो विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, दो विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। बिल्कुल अभी भी मैं हरियाणा से ही आ रहा हूं राजीव जी, जमीनी स्थिति क्या बनी हुई है कि एकदम मामला एक पक्षी दिखाई दे रहा है। आज के समय में अगर कोई ग्राउंड पे जाता है तो वहां पे जो एक संघर्ष की स्थिति थी, वो संघर्ष पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें ला पाएंगी, उनके लिए ये चुनौती की स्थिति बनी हुई है। तो तमाम घटनाक्रम जिस तरह से हुए हैं, कांग्रेस ने अपने मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। देखिए एक ये यात्रा, उसके बाद फिर भारत न्याय यात्रा जो कि मणिपुर से शुरू हुआ और मुंबई तक गया। हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी मणिपुर लगातार जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, और मणिपुर में भी शांति की स्थिति अब तक नहीं बन पाई है। तो सरकार की अकर्मण्यता की स्थिति दूसरी तरफ, और राहुल गांधी देश की आवाज को उठाने वाले व्यक्ति दूसरे तरफ खड़े हैं, और जनता उनके साथ खड़ी है। आज हर कोई डंके के चोट पे कह सकता है कि हाँ, अब आप देख लीजिए कि जब इस चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर रुक गई है, तो वही पीएमएलए का जो उसमें उसका सबसेक्शन 45 राजीव जी जो कि जमानत मिलने में पहाड़ जैसी कठिनाई उत्पन्न करता था, हर दिन सुप्रीम कोर्ट वही एक लाइन लेके अब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि भाई जमानत अपवाद है, और बाहर जो है कि उनको एक तरह से जमानत से मुक्ति जो है वो एक नियम है, ये लाइन सुप्रीम कोर्ट को दोहराना पड़ रहा है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी हम लोगों को एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है 240 के संख्या के बाद, जब ये सरकार अपने एक गठबंधन सरकार में चल रही है। तो हर मोर्चे पे, हर तरफ पे स्थितियां बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती जो पैदा हुई है, केवल ये दो विधानसभा के लिए चुनौती पैदा नहीं हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र जीत लेगी? बिल्कुल नहीं जीतेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड जीत पाएगी? मुझे कहीं से कोई संभावना नहीं दिख पा रही। अगर दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं उसके बाद अगर अगले साल की बात करें, क्या वहां पे उनको जीत का कोई मतलब मिलेगा? तो आगे जो कम से कम हम लोग को सीधे सीधे 5-5 विधानसभा चुनाव जो भी यहां से दिखाई दे रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं कि ये स्थितियां अगर बनी है तो ये स्थितियां राहुल गांधी के कारण ही बनी है। गांधीवादी मूल्यों पे, गांधीवादी रास्ते पे चलते हुए उन्होंने जिस तरह से, जो आपने कहा कि सबसे गांधी जी बात करते थे सबसे आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को लेके, राहुल गांधी केवल सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लेके बात नहीं करते हैं, उनसे मिल रहे हैं। आज एक बड़ा नेता किसी पार्टी का, वो
उस समस्या अगर उबर के ड्राइवर से वो पूछ रहा है, ओला ड्राइवर से पूछ रहा है कि आपकी क्या समस्या है, रेलवे के ट्रैकमैन से ट्रैक पे चढ़ के वो जाके घूम के वो पूछ रहा हो कि आपकी समस्या क्या है, तो बताइए राजीव जी उनके नीति निर्माण में जो पॉलिसी मेकिंग होगी वो अंतर तो दिखेगा ही। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोगों ने देखा दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक तमाम जो समाज के कमजोर वर्ग थे उन्होंने मजबूती के साथ कांग्रेस को सहयोग कर। जरा आना चाहता हूँ एक बार पहले राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूँ। आप अभी कह रहे थे हरियाणा से आप लौट के आए हैं, क्या कुछ वहाँ दिखाई देता है हरियाणा में क्या है हो रहा है? और हम लोग दिल्ली बैठे हुए हैं तो सुनने में यही आ रहा है कि बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, क्या ऐसा है ग्राउंड पे? और क्या कुछ है अगर राहुल गांधी की राजनीति के हिसाब से देखा जाए जो पिछले 2 साल में खासकर हमने देखा है? राजीव जी देखिए, अगर हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में सीधे सीधे बात करें, एक छोटी सी घटना का उदाहरण दूंगा जो कि गांव में बैठे हुए एक व्यक्ति ने, जिसने खुद ही माना हमारे सामने में कि वो पहले बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, लेकिन अब वो लोग भी बीजेपी को समझने लगे हैं। उन्होंने हरियाणा के गांव में बैठा हुआ है खाप पंचायत जहां पे एक माहौल बनता है वहां पे वो कह रहा है कि आपने आप लोगों ने ध्यान दिया कि क्या घटना राजस्थान में घटी, वो कन्हैया लाल के प्रकरण में क्या घटना घटी थी और एनआईए जांच कर रही थी फिर भी कोर्ट को कहना पड़ गया और उसमें से एक आरोपी को इसलिए छोड़ना पड़ गया, जमानत मिली उसमें, कि वो एनआईए ने अच्छी से जांच नहीं की। तो गहलोत सरकार जांच कर रही थी, उसको जांच भी छीन के एनआईए को ले लिया। तो वो खुद हमें कह रहे हैं लगभग 55-60 वर्ष की उम्र होगी राजीव जी उनकी, कि सीबीआई ईडी इनकम टैक्स इसका तो दुरुपयोग हुआ ही, सरकार में एनआईए जैसी संस्था का भी दुरुपयोग हुआ और हम लोग ये मानते थे कि ये पता नहीं कैसे इस प्रकार की घटनाएं घटी। और वो लोग भी ये चीज कह रहे हैं कि वो बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के मोर्चा के लोग तक डंके के चोट पे कर सकते थे और बीजेपी के लोग ही उन्हें बचाने में भी लगे हुए, वो घटना भी कराते और बचाते भी हैं। तो इस पर जो अंततः जो विनेश फोगाट और जो ये तमाम इन दोनों ने जो ज्वाइन किया है कांग्रेस, उसके बाद तो वहां पे एक बवंडर की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज देखे कि तमाम चैनलों पे बृजभूषण शरण सिंह हमला कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो उनके हमला से भारतीय जनता पार्टी को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है संभवतः वो उनको भी अंदाजा नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा है। वहां पे शुरुआती समय में राजीव जी एक तरह से डेट को पहले बढ़वाने की मांग, डेट को वहां पे बढ़वाने की मांग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने की थी। सबों को यही लग रहा है कि बीजेपी की तैयारी अच्छी नहीं थी और वो वहां पे जो है कि नुकसान की स्थिति में रहे। किसानों के तबके में पिछले 5 सालों में जिस तरह से किसानों का दमन हुआ, वहां पे आंदोलन करने वाले लोग जो सेना में लोग थे वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों तक को जो है कि परेशान किया जा रहा था, उनको कहा जा रहा था कि अपने माता पिता को आप आंदोलन से वापस करवाइए, आप नहीं तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। तो हरियाणा की जो जमीन है वो जमीन तो ऐसी कि वहां पे कितने सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त होगी राजीव जी, मुझे लग रहा है भारी संख्या में सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त होने की स्थितियां हैं हरियाणा में जी। वहां पे 55-60 सीटों पे तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं पर मुश्किल और कठिनाइयों की स्थिति है। कांग्रेस ने भी अपनी सीटें जारी की लेकिन स्थिति समान नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें जारी की और उसके बाद हरियाणा बीजेपी में जो हलचल मचा वो हम लोगों को वो जम्मू कश्मीर की याद दिला दी कि जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से सूची जारी की गई थी और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बीच में खलबली की स्थिति मच गई थी, वो तमाम स्थितियां हम लोग हरियाणा के चुनाव में भी देख रहे हैं। तो हरियाणा का चुनाव वहां पे किसी भी मामले पे, चाहे परसेप्शन का मामला हो, जनता के बीच में मामला पहुंचाने की हो बातें हो, और विशेषकर विनेश फोगाट को लेकर जो वहां के लोगों के मन में, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पे तमाम लोग उसे अपने हीरो के रूप में देखते हैं और हरियाणा की तो वो बेटी ही है, और उसके ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाया ना उन आरोपों को गंभीर रूप से दिल्ली पुलिस ने भी माना है, उन आरोपों को आरोप पत्र दाखिल किया 1500 पेज का। और वैसे स्थिति में आप उस पूरे आंदोलन को जिस तरह से बीजेपी और उसके तमाम लोग उसको कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा बीजेपी को लास्ट में बैकफायर कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि बीजेपी इतनी ज्यादा उलझ गई है हरियाणा के चुनाव में कि उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है राजीव जी। वो जितना ही उस एक उधड़पुन से निकलने का प्रयास कर रही है वह मामला उन्हें उतना ही ज्यादा बैकफायर कर जा रहा है। और इस देखिए आज अगर हरियाणा में ये स्थिति बनी हुई है तो मैं एकदम डंके के चोट पे मैं भी कहूंगा जो पैनल में तमाम लोग कह रहे हैं, वो स्थितियां बनी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से इस देश की बदलती हुई राजनीतिक स्थिति की। जब पहली बार इस देश ने देखा है यहाँ के दलित तबके वंचित तबके ओबीसी वर्ग ने सबों ने पहली बार देखा है जब राहुल गांधी डंके के चोट पे कहते हैं कि हम 50% आरक्षण के उस कैप को उखाड़ के तोड़ के फेंक देंगे। ये चीजें ये मैसेज बहुत ही गहन ढंग से
जैसे पूरे देश भर में जा रहा है, ये मैसेजेस हरियाणा के भीतर भी है, और वह इसके लिए बीजेपी के पास कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री जिस तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का परिवर्तन कर दिया गया, उनको भी अपना सीट बदलना पड़ रहा है, तो हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा सिरदर्दी की स्थिति है। और यही स्थितियां हम लोग को जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रही है, वहां की भी स्थिति कहीं से भी बीजेपी जब अपने घोषणा पत्र में ये चीजें कहती है कि हम किसी भी तरह से 370 की वापसी नहीं करना चाहेंगे, तो वहीं पर स्पष्ट कर देती है कि वो अपनी राजनीति केवल और केवल जम्मू तक सीमित रखना चाहती है, वो कहीं भी श्रीनगर और दूसरे घाटी के क्षेत्र में कहीं से भी वो नहीं जाना चाह रही है। तो स्पष्ट है कि जैसे लोकसभा चुनाव में वो उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे, इस बार वो उम्मीदवार जरूर उतार गए, लेकिन उनका फोकस यहीं पर हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में भी घाटी में जम्मू में उनका वोट प्रतिशत 2019 की तुलना में इतना घट गया, तो अब कौन सा वोट प्रतिशत बढ़ने जा रहा है। हरियाणा में तो बच्चा बच्चा ये चीज कह रहा है, राजीव, ये आखिरी लाइन कहूंगा कि अगर पिछले बार लोकसभा में 10 की 10 सीटें थी तो विधानसभा में 41 सीटें आई थी, तो गिनती करके देख लीजिए कि अब 5 सीटें अगर कांग्रेस ले आई है तो फिर बीजेपी अब कितने सीटों पर सिमटने जा रही है, अंदाजा लगा लीजिए। जी, हरियाणा का चुनाव और जम्मू